नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल मित्र आशीष ओम प्रकाश जायसवाल खातेगांव.com से आप देख रहे हैं खातेगांव.com। एमपी बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आ चुका है जिसमें कई छात्रों ने उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ कई ऐसी प्रतिभाएं सामने आई हैं जो अपने शिक्षा के स्तर से पूरे मध्य प्रदेश को चौंका रही है, चमका रही है। आज खातेगांव के कार्तिक उपाध्याय हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है 10वीं की बोर्ड परीक्षा में। कार्तिक खातेगांव के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ते हैं, निम्न आय वर्ग के परिवार से आते हैं और कार्तिक के रिजल्ट आने से ही पूरे खातेगांव नगर में खुशी की लहर है। आइए आज कार्तिक से बात करेंगे किस तरह से उन्होंने यहाँ उपलब्धि प्राप्त की है, साथ ही साथ भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या मेहनत रही इसके पीछे, इस परिणाम के पीछे। आइए कार्तिक के साथ आज हम बात करते हैं। कार्तिक, स्वागत है आपका खातेगांव.com में। जी धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? जी मैं बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही खुशी मिली है इस परिणाम से। अच्छा, क्या रहा रिजल्ट आपका? जी मेरा रिजल्ट 400 में से 395 अंक प्राप्त किए हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया। आपने जो तैयारी की थी 10वीं की, वो किस तरह से की थी, क्या योजना बनाई थी और किस तरह से सोचा था कि मुझे मध्य प्रदेश में किस स्थान को प्राप्त करना है? जी सबसे पहले तो मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मेरिट लिस्ट में आना है या नहीं आना है। उसके बाद मैंने एक योजना बनाई बिल्कुल पूर्णतः कि किस प्रकार करना है। सबसे पहले तो कि जिस प्रकार से हमें पेपर को अंडरस्टैंडिंग करना, समझना होता है कि किस प्रकार से पेपर आता है, यदि हम वो ढंग से समझ लेंगे तो बिल्कुल हम आ सकते हैं। उसके बाद पुरानी पूर्व वर्ष के जो पेपर है उनको तैयारी करना, उनके अच्छे से तैयारी करना चाहिए और एक परफेक्ट टाइम टेबल बना के यदि आप पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ विद्यालय परिवार का क्या सहयोग रहा आपको? जी बिल्कुल, विद्यालय परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, उनका बहुत योगदान है इसमें, क्योंकि यहाँ के शिक्षकों हर बार बताते कि मेरिट लिस्ट में आना है या नहीं आना है और बिल्कुल इतना अच्छा मार्गदर्शन करते थे। आदरणीय प्रचार जी हमारे, तोमर सर जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी है, सोनर आचार्य जी, बाकी ओपी शर्मा आचार्य जी है, आशीष वर्मा आचार्य जी, बिल्कुल एक मार्गदर्शन देते थे कि किस प्रकार आना है और सभी शिक्षकों ने हर बार मार्गदर्शन किया है। हर कार्यक्रम भी होते थे विद्यालय के तो उसमें भी मार्गदर्शन करते थे, उनके मार्गदर्शन से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, आगे की क्या योजना है कि अब तो मेरा 10वीं का परिणाम आ चुका है, 12th पास करनी है, फाइनल करनी है, भविष्य को लेकर आपने क्या सोचा है? जी एक तो मेरा 12th में टारगेट है कि इस बार 8वें नंबर पर आया हूँ तो मेरा प्रथम स्थान पाने का उसमें लक्ष्य है। उसके बाद फाइनल कंप्लीट करके मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और आईएएस बनना है। अच्छा, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहा जब आपने बताया कि मैंने पूरे मध्य प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है? जी मम्मी पापा बहुत ही खुश थे और उन्हें अंदर से एक आनंद की अनुभूति हो रही थी और बहुत अच्छा लगा उन्हें। अच्छा, पूरे परिवार को अच्छा लगा, दूर दूर से फोन आए और सबने बधाई दी। अच्छा, संभवतः हम देखते हैं कार्तिक की आजकल का जो युवा है मोबाइल पर अधिक समय बिताता है, क्या आपके पास स्मार्टफोन है? जी मेरे पास स्मार्टफोन है। आप उसमें क्या क्या करते हैं, कैसे समय बिताते हैं स्मार्टफोन के साथ? देखिए स्मार्टफोन एक अच्छा साधन है और यदि उसका सही उपयोग करे स्टूडेंट तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यदि आप उसमें यूट्यूब चलाएंगे तो आपको बहुत सी शिक्षा के साधन मिलते हैं पढ़ने के लिए कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से कॉपी राइटिंग उसमें लिख सकते हैं बोर्ड में, बहुत सारा मार्गदर्शन यूट्यूब से मिल सकता है आप। और मोबाइल एक अच्छा जरिया है, यदि उसका सही उपयोग करे तो बहुत काम में आ सकता है। अच्छा, कुछ बच्चों के परिणाम इस बार उनकी उम्मीद से कम आए हैं जो आपके साथ ही होंगे या कहीं और होंगे मध्य प्रदेश में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो देखिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक परिणाम है और इसे ज़्यादा सीरियसली ना लेते हुए आगे की तैयारी को फोकस कीजिए और अपना एक लक्ष्य बना के कार्य कीजिए। परसेंटेज ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, आपके अंदर की कला कौशल मैटर करती है और आप कि अपने अंदर के जो कला है उसको पहचान के अपने आगे का भविष्य तय कीजिए, आपको जरूर सफलता। अच्छा, हमने अभी तक संभवतः जितने भी लोगों से मिले हैं उनका कोई ना कोई आइडियल होता है, कोई ना कोई को वो आइडियल मानते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा कार्य करना चाहते हैं, क्या आपका भी कोई ऐसा आइडियल है जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं और उसे उसके तरह बनना चाहते हैं, उसके तरह सोच रखते हैं? जी मैं सबसे बड़े आइडल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिस प्रकार से वो संघर्ष करके आज प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, वो एक अभूतपूर्व उन्होंने कार्य किया है और मेरे आइडियल है वो। अच्छा, उनसे आप क्या सीखे हैं? उनसे मैंने सीखा है कि परेशानियां चुनौतियां कितनी भी आ अपने को डट कर सामना करना है। क्रिकेट आने वाले समय में फिर 10वीं की एग्जाम होगी, फिर बच्चों को तैयारी करने के लिए कई कॉन्सेप्ट आते हैं, कई बाजार में कॉन्सेप्ट आते हैं, कई लोग उसका व्यापारिक रूप भी देते हैं, आपने जो तैयारी की है इससे सफलता हासिल की, आप आने वाले भविष्य को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मार्केट में जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो आते हैं जनवरी या फरवरी में, यदि आप उसके भरोसे बैठोगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी, आपको पढ़ना पड़ेगा जो स्कूल में करवाते हैं, जुलाई से ही पढ़ना प्रारंभ करना पड़ेगा
और यदि आपको उसके जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसके हिसाब से करेंगे तो आप ज़्यादा सफलता पा सकते हो। कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक तो आते लेट है, उसके बाद हमने जो पढ़ा है उसमें अलग आता है, फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है माइंड में और फिर दिक्कतों का सामना करता है। कार्तिक, हर हर बच्चे का या हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि एक पसंद होती है कि मुझे यह खेल पसंद है, ऐसा कोई खेल है जिसे आप पसंद करते हैं? जी, मैं ज़्यादातर क्रिकेट को पसंद करता हूँ और मेरे को जब भी वक्त मिलता है मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ। अच्छा, अपने फ्रेंड्स के साथ। क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी आपको ज़्यादा पसंद है? जी, मैं रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी दोनों को फॉलो करता हूँ।